आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है यानी 18 साल के हो गए हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पास भी वोटर कार्ड हो तो देखिए आप टेंशन ना लें, आप खुद बैठे अपने घर बैठे या अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हम आज सारी प्रोसेस आपको बताएंगे कि आप खुद कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर आ जाना, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जैसे आप विजिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाने का देखिए एक ब्लू कलर में देखने को लग जाएगा वोटर पोर्टल, तो करना क्या सबसे पहले आपको इसी वोटर पोर्टल वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दूसरे पेज की तरफ लॉगिन पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या लॉगिन कर लेना है, देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर वोटर नंबर, इनमें से कोई एक चीज़ फिल कर देना, यहाँ पर पासवर्ड डाल देना जो आपने बनाया, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड हो रहा है इसे प्लस करके जो भी हो रहा है आपको यहाँ पर डाल के लॉगिन कर देना। अगर आपके पास ये सारी जानकारी नहीं है, आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले करना क्या, यहाँ पर लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, तो करना क्या आपको क्रिएट एन अकाउंट वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ऑफ यू आर द एवरसेज, देखिए आपको यहाँ पर इसे अनटिक रहने देना। अब यहाँ पर देखिए आपको दो तरह के ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, एक ईमेल आईडी की तरफ से, आप ईमेल आईडी की तरफ से रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर्ड हो जाएंगे, अगर आप मोबाइल के माध्यम से रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो मोबाइल के माध्यम से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो देखिए मैं मोबाइल के माध्यम से रजिस्टर्ड होना, तो देखिए मैं यहाँ पर मोबाइल के माध्यम से रजिस्टर्ड करेंगे क्योंकि यहाँ पर मोबाइल के माध्यम से आसान होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के और यहाँ पर देखिए आपको आगे करके दिखा रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे यहाँ पर देखिए सेंड ओटीपी का ऑप्शन आपको शो होने लगे, तो करना कि आपको इसी सेंड ओटीपी वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही ओटीपी भेजेंगे तो देखिए आपके मोबाइल पर ओटीपी भेज दिया गया, आपको करना क्या इतने सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर ओटीपी फिल कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर लिया है, अब यहाँ पर वेरीफाई बटन वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही देखिए वेरीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन और जो आपका मोबाइल नंबर हैज बीन रजिस्टर्ड, तो आपको देखिए यहाँ पर दूसरा पेज विंडो ओपन होकर आ जाएगा। आपको करना कि यहाँ पर अपना जो पासवर्ड बनाना है वो आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। देखिए एंटर पासवर्ड जो आप बना रहे हैं वो डाल लेना, देखिए पासवर्ड कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस फॉर्मेट में डालेंगे आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए वही आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना, ये कैप्चा कोड भर के ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके क्रिएट एन अकाउंट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, अब यहाँ पर ऑप्शन आपके पास आएगा वेलकम का, तो करना कि आपको इसी वेलकम वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब करना क्या, देखिए आपको अपना नया वोटर कार्ड बनाना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है वोटर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, तो आपको इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना आधार कार्ड के हिसाब से डिटेल फिल करनी है, क्योंकि यहाँ पर आप गलती ना करें, क्योंकि ये भी एक अहम दस्तावेज होता है जो आपका काम करता है, तो आधार बेस के हिसाब से अपनी डिटेल फिल करें, जो भी नाम है आपको वो फिल कर दें, अगर आपके पास कोई सरनेम है तो डाल दें, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें, मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको सबमिट वाली बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही नाम और डिटेल फिल कर देंगे तो देखिए आपको उसी पेज पे फिर से वापस आ जाएंगे। अब करना कि आपको न्यू वोटर वाली रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर देखिए नाम आपका लिखे आ जाएगा, यहाँ पर अब वोटर पोर्टल लिखे आ जाएगा, आपको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन देगा लेट स्टार्ट, तो यहाँ आपको इसी लेट स्टार्ट वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे इसमें लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको, तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका ऑलरेडी वोटर कार्ड है तो इस पर क्लिक नहीं करनी है, अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखा है यस आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर दिस फर्स्ट टाइम, देखिए मैं आपको फर्स्ट टाइम अप्लाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको पहली वाली बटन दो सेकंड वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाली बटन पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लिखा है यस आई एम इंडियन सिटीजन, यस आई एम एन इंडियन सिटीजन, यहाँ पर लिखा है नो आई एम इंडियन नॉट सिटीजन, तो आपको पहली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करके यहाँ पर सेवन कंटिन्यू वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको सबसे पहले करना है आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर ली। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ जिस जो भी आपका गाँव है जिसमें आपका जन्म हुआ है वो आपको अपने गाँव का नाम फिल कर देना, स्टेट क्या लगता है वो अपना अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लें, और किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, देखिए डेट को प्रूव करने के लिए कि हाँ आप 18 प्लस के हो चुके हैं तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, तो आपको इसी वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बर्थ सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, इंडियन पासपोर्ट का भी आएगा, पैन कार्ड भी आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस का भी, आधार कार्ड का भी और 10th का सर्टिफिकेट का भी। तो देखिए मैं यहाँ से अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है, अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है, JPG, PNG, PDF, मैक्सिमम 2 MB, यानी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी फाइल आपने अपना आधार कार्ड जहाँ रखा है वो आपसे यहाँ से अपलोड कर देना और सेलेक्ट करके, तो देखिए यहाँ पर अपना आधार कार्ड को अपलोड करके आगे बढ़ा। देखिए मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर क्या लिखा है आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ से सबसे पहले अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना, मेल है फीमेल वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही है। अब यहाँ पर अगर कुछ देखिए यहाँ पर आपका नाम भी लिखा है, अगर आप उसमें नाम में कुछ मिसप्रिंट हो रही है तो आपको दोबारा कैसे भी लिख देना। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना फोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और देखिए मेरा यहाँ पर मैंने अपना फोटो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर देखिए मेरा फोटो अपलोड हो चुका है। अब हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है आपको विजिबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा कि आप
शारीरिक रूप से विकलांग हैं, या फिर आपको आँखों से सही नहीं दिख रहा है, या फिर आप कान से सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर अदर कोई है, लेकिन इनमें से कोई है तो आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे सेवन कंटिन्यू वाली बटन आपको क्लिक कर देनी। उसके बाद देखिए यहाँ एंटर वोटर आईडी नंबर फैमिली मेंबर्स, अगर आपके पास किसी भी फैमिली मेंबर्स का अगर वोटर आईडी कार्ड है तो आपको यहाँ फिल कर देना है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपका फैमिली का नाम आपको जरूर फिल कर देना जिसमें है, तो आपको यहाँ पे अपनी फैमिली में माता पिता का जरूर बना होगा, उनका नाम यहाँ पे डाल दे। अब देखिए यहाँ पे आपने किसका नाम डाला है, वो फादर्स हैं, मदर्स हैं, फिर अदर हैं। देखिए मैंने फादर्स डाला है, तो यहाँ पे फादर सेलेक्ट करके और सेवन कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, हाउस नंबर आपका कितना लगता है, तो देखिए यहाँ पे अपना हाउस नंबर डाल दें जो भी लगता है। और उसके बाद आपको अपनी एक गांव का नाम डाल देना है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी तरह सही नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है पिन कोड, देखिए आपको सिटीज है, टाउन है या विलेज है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे सिटीज लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे पिन कोड अपना डाल दे रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो भी है मेरा पिन नंबर यहाँ पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए फाइंड आउट लोकेशन, देखिए आपको एंटर करंट लोकेशन नहीं, आपको स्टेट यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है किस स्टेट से, और यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, असेंबली एरिया आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, तो देखिए आप क्या लगाना है आपको यहाँ पर देख सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के बारे में पूछेगा, एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हैं, देखिए आपको यहाँ पर सामने बहुत सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। आप यहाँ देखिए अगर आपके पास कुछ कोई वैसी चीज़ नहीं है तो आपको यहाँ पर बैंक की पासबुक लगा देनी है, क्योंकि पासबुक आपको या फिर किसान भाई इनमें से कोई भी यह लगा सकते हैं, या फिर गैस का बिल लगा सकते हैं, या फिर राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, इनकम टैक्स का भी लगा। देखिए आपके पास पासबुक जरूर होगी, तो मैं तो आपको कहूँगा पासबुक ही आप सेलेक्ट कर लें और अपनी पासबुक यहाँ पर और यहाँ पर अपनी पासबुक को अपलोड कर दें। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी पासबुक को अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर हमें क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा सेंस आप कितने साल पुराने, यानी जो डेट ऑफ बर्थ के आपके लास्ट अंक हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है जो भी है आपकी है। तो देखिए यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एंटर प्लेस डाल देना आपको, जिससे हैं अपनी जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है उसका नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे एंटर नेम डाल दा अप्लीकेंट, अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने फॉर्म नंबर 6 पूरा फिल होकर आ चुका है आपका, यानी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपको केवल अगर आपको कुछ भी अगर यहाँ पे देख मिस प्रिंट हो रही है, यहाँ पे कुछ डाटा आपको गलत फिल हो गया है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एडिट फॉर्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट वाली बटन पर आपको क्लिक कर देनी है। तो देखिए मेरा ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे सबमिट बटन पर क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ तो लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन सुशील रतन जो भी है नाम यहाँ पर लिख के आ जाएगा, यू हैव सबमिट एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर देखिए इनका रेफरेंस आईडी भी इशू कर दी गई है, अगर इसके माध्यम से आप आराम से ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा कहाँ तक पहुँच गया, तो आपको ये रेफरेंस आईडी आपको भविष्य के लिए लिख के रख लेनी है। आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। अगर देखिए आपको इतनी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।